हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन वाइल्ड डक। वाइल्ड डक लेसन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड डक नाम की हमारे पास दो स्टोरियां हैं। एक स्टोरी हेनरी इब्सेन ने लिखी थी और एक स्टोरी रोमेश गुणेसेकरा ने। तो हमारे कोर्स में जो है वो रोमेश गुणेसेकरा के द्वारा लिखी हुई वाइल्ड डक है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, पैराग्राफ नंबर वन। They will come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. जो रेड कलर की वॉल्केनिक हिल थी, दूर से वो वॉल्केनिक रेड जैसी दिख रही थी। मैन ने, उस इंसान ने उधर इशारा करते हुए कहा, They will come from over there, कि वो वहाँ से आएंगे। वो यानी दे कौन है? ये वही वाइल्ड डक्स हैं जो उड़ते हुए यहाँ आएंगी और ये दोनों शिकार करेंगे। He and the boy both had guns. The man और जो boy था, दोनों के पास guns थी, resting across their knees, उनके घुटनों पे रखी हुई थी। They sat facing each other in a small motionless boat. Motionless boat, वो boat जो रुकी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की ओर चेहरा किए हुए उस रुकी हुई नाव में बैठे हुए थे। With the oars tucked in. Oars क्या है? Oars है पतवार जिससे नाव को चलाया जाता है, या चप्पू। वो वहाँ पे रुके हुए थे, नाव में टक थे। आर यू रेडी, ही आस्क्ड हिज सन। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम तैयार हो? यस yes, उसने हाँ में जवाब दिया। दे कम इन क्लाउड्स, ह्यूज क्लाउड्स मूविंग वेरी फास्ट। फिर उस मैन ने एक्सप्लेन किया कि वो इस तरह से आते हैं जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा से क्लाउड्स बहुत तेज़ी से उड़ते हुए आ रहे हैं। बादलों का झुंड चला आ रहा है दूर से, ऐसा लगता है। He moved his arm in a wide sweep, rocking the boat. उस आदमी ने अपने हाथों को चौड़ा करते हुए इशारे से बताया कि वो इतने चौड़े, इतने बड़े, बिल्कुल क्लाउड्स की तरह उड़ते हुए आते हैं और दूर से हमें लगेगा कि बहुत से क्लाउड्स आ रहे हैं। You have to be quick, shoot fast. और तुम्हें क्विक होना होगा, तुम्हें जल्दी करना होगा, शूट अप जल्दी करना होगा, उसे जल्दी शूट करो, क्योंकि वो इतनी स्पीड से आते हैं और उतनी स्पीड से चले जाते हैं, तो हमारा एक भी निशाना चूकना नहीं चाहिए, तो हमें शूटिंग फास्ट करनी है। द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू बैरल ऑफ हिज गन। बैरल, गन का बैरल उसे कहते हैं जहाँ पे फिंगर रख करके गन को शूट किया जाता है। तो लड़के ने अपनी उंगलियाँ जल्दी से गन के बैरल पे रखी। मिनट बाय मिनट द लाइट चेंज ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द वाटर। थोड़ी थोड़ी देर पर पानी के सरफेस का कलर चेंज हो रहा था, ऑरेंज रेड मॉवी सीपेज फ्रॉम द स्काई। कभी ऑरेंज कलर का, कभी रेड कलर का, कभी मॉवी, मॉवी मीन्स अ लाइट पर्पल कलर, सीपेज सीपेज फ्रॉम द स्काई, सीपेज मीन्स कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई टू द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा था पानी का। इट वॉज लेट आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था। अ लेक इन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स लोनली प्लेस थी, एक लोनली प्लेस था, वहाँ पे एक लेक था जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। यू लोडेड, क्या तुमने लोड कर लिया है गन को? यस yes, बल लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैंने लोड कर लिया है। रिमेंबर एम वेल अहेड, याद रखना हमारा एम क्या है, बिल्कुल हमारे सामने है, हमारा निशाना सही होना चाहिए। यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ, और जो इनका फ्लाइट पाथ है, जो इनका रास्ता है कि किस रास्ते से जाएंगे, तुम्हें इमेजिन करना होगा, तब शूट करना है। टू बी डेड ऑन इज नॉट ईजी, डेड ऑन मीन्स हिट द टारगेट परफेक्टली। अपने टारगेट को परफेक्टली हिट करना बहुत आसान नहीं है, बट यू हैव टू मैनेज विद जस्ट वन शॉट, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह मैनेज करना है कि एक शॉट में ही तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने हो। आई नो, मुझे पता है, उस लड़के ने जवाब दिया। सडनली द बॉय लुक्ड अप, अचानक लड़के ने ऊपर देखा। Is that them? क्या ये वही है? A ribbon of black dots billowed out of the horizon. Horizon वो प्लेस होती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि सागर और आकाश मिल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि दूर से देखने पे ऐसा लगता है तो उस प्लेस को horizon नाम दिया जाता है। A ribbon of black dots billowed out of the horizon. Billowed means rising up fast and in a growing number. ऐसा लगा कि black dots का कोई रिबन है, वो तेज़ी से हॉरिजन के ऊपर फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द बॉय वॉज स्पेल बाउंड, ये नज़ारा देख करके वो लड़का तो एकदम ही चुप हो गया,
ब्रेथ विसल्ड आउट ऑफ ए स्मॉल राउंड माउथ, उसके छोटे से माउथ से सांस सीटी की आवाज़ में धीरे से बाहर निकली। वॉचिंग बर्ड्स वॉज हिज पैशन, बर्ड्स को देखना उसकी ख्वाहिश थी, उसका पैशन था। देयर मस्ट बी मिलियंस ही एक्सक्लेम, उसने कहा यहाँ पे इसका मतलब बहुत सी मिलियंस बर्ड्स होंगी। हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील, वॉट इज टील, टील इज अ स्मॉल वाइल्ड डक। अब ऐसा लगा कि आधे से ज़्यादा आसमान टील से भरा हुआ है, टील मीन्स वाइल्ड डक्स। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ देम बैंक्ड वन वे देन अनदर, चेंजिंग द शेप ऑफ द स्काई एंड ब्लॉटिंग द लाइट। इतनी ज़्यादा बर्ड्स थी, एक के बाद एक उड़ती चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्काई का शेप ही चेंज हो रहा है और सूरज की रोशनी को वो ब्लॉक कर रही हैं। द स्काई डीपेंड, धीरे धीरे आसमान गहरे रंग का होने लगा। द वाटर टर्न ब्लैक, पानी का रंग ऐसा लगा कि वो काला हो गया है, इतना ज़्यादा अंधेरा जैसा छा गया। स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे डाइविंग देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन, स्मॉल ग्रुप बर्ड का छोटा छोटा ग्रुप नीचे ऊपर होने लगा और धीरे धीरे एक फॉर्मेशन बनाने लगा, एक ग्रुप टाइप का बनाने लगा। विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक, फिर उस लड़के ने पूछा कि क्या इसी लेक पे लैंड करेंगी। दे लुक टू हाई, आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स, फिर उस मैन ने जवाब दिया नहीं, ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचाई पे हैं और वो कहीं और जाना चाहती हैं। हु डिसाइड्स, क्या पता, दे नो, वो सब जानती होंगी। देन दे वर ओवर हेड, थोड़ी देर बाद वो सारा झुंड उनके सर के ऊपर से गुजरा। द स्काई फिल्ड विद मासेस ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट, पूरा आसमान बर्ड्स के ग्रुप से भर उठा। अ फ्लरी ऑफ बर्ड कॉल्स, अ फ्लरी ऑफ बर्ड, अ नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्स एट वंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर, यानी बर्ड्स के बहुत से बर्ड्स की एक साथ बोलने की चहचहाने की आवाज़ें आने लगी और फादर एंड सन ने एक दूसरे को देखा इस इशारे से कि हाँ, हमें अब एक कब एम करना है। हियर गोज, द मैन अनडिड हिज सेफ्टी कैच एंड स्टार्टेड फायरिंग, मैन ने कहा ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ और उसने गन चलाना स्टार्ट कर दिया। थ्रोइंग बकशॉट एट द स्काई, बकशॉट क्या होता है, मैनी स्मॉल बॉल्स ऑफ मेटल फायर्ड फ्रॉम अ शॉट गन, ये बकशॉट होता है। तो उसने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी स्काई की तरफ। द एक्सप्लोजन शुक द बोट, एक्सप्लोजन की वजह से उनकी नाव हिलने लगी, डगमगाने लगी। द लेक रिपल्ड, लेक का पानी ऊपर नीचे होने लगा। ही पम्प द गन एम्प्टी, उसने बिल्कुल अपनी गन को एम्प्टी कर दिया लगातार शूटिंग करते करते। टू हाई, दे आर फ्लाइंग मच टू हाई, अब क्योंकि उसकी गन एम्प्टी हो चुकी थी तो उसने कहा ओह, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थी, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे थी। हिज सन स्लोली रेज द हिज राइफल, अब उसका बेटा जो पहली बार गन चलाने जा रहा था उसने धीरे से अपनी गन को ऊपर किया। ही हैड अ मोर पेशेंट एंड स्टडी हैंड, वो अपने बाप से ज़्यादा संयमित लग रहा था। ही पिक्ड अ सिंगल स्पेक आउट ऑफ द मास इन द स्काई, उसने जो सिंगल एक बर्ड उड़ रही थी आसमान की तरफ उसको अपना निशाना बनाया। द लीडर ऑफ अ फॉर्मेशन फ्लाइंग टूवर्ड्स देम, ऐसा लग रहा था कि वो जो उस फॉर्मेशन उस ग्रुप का लीडर था शायद वो हो। ही एम्ड एंड फायर्ड, उसने निशाना लगाया और गोली चला दी। द स्प्लेक प्ल्यूमेटेड, प्ल्यूमेटेड मीन्स फेल वेरी फास्ट एंड सडनली, जो स्पेक था जो बर्ड थी बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, इसका मतलब था कि उसका निशाना सही था। यू गॉट द लीडर, द मैन चीयर्ड, वो इंसान वो आदमी खुश हुआ और ख़ुशी से चिल्लाया तुमने तो लीडर को मार दिया। अनदर बर्ड स्विफ्टली टुक इट्स प्लेस, तब तक दूसरी बर्ड ने जल्दी से उस लीडर की प्लेस ले ली। They were all leaders by instinct. Instinct means in the way animals naturally behave. यानी उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है, बर्ड्स को खुद पता होता है कि हमारा मालिक अगर हमारा लीडर अगर ख़त्म हो गया तो मुझे किसको उसकी जगह लेनी है, ये उन्हें खुद पता होता है। तो जब एक लीडर को इसने मार गिराया तो दूसरे ने उसकी फौरन जगह ले ली। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, द बॉय पुट डाउन हिज राइफल एंड टुक द पैडल, डिड यू सी वेयर, अब उस लड़के ने अपनी राइफल नीचे रख दी और नाव का पतवार संभाल लिया, कहा मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ, क्या आपको पता है वो कहाँ गिरा है। इट फेल जस्ट बिहाइंड द बल्रशेस, बल्रशेस वॉट आर बल्रशेस, बल्रशेस वो प्लांट्स होते हैं जिनकी टॉल स्टेम्स होती हैं और ज़्यादातर रिवर और लेक्स के किनारे उगते हैं ये। तो उस आदमी ने कहा मुझे लगता है कि वो बल्रशेस के पीछे गिरी हैं,
जाओ उधर से घूमते हुए जाओ, शायद तुम्हें वो मिल जाए। द बॉय मूव द बोट अगेंस्ट द टाइड ऑफ टील। टाइड ऑफ टील यानी कि जैसे ही बंदूक की गोलियां चली, बर्ड्स की इंस्टिंक्ट होते हैं, वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं आसमान में। तो उसके विरुद्ध जो दूसरा रास्ता था वो उस व्हीलिंग ओवर हेड अपनी नाव को चलाते हुए। हिज आर्म्स ट्रेम्बल्ड एज ए पुल द पैडल थ्रू द ब्लैक वाटर। वो जल्दी जल्दी नाव चलाने लगा और उस ओर जाने लगा, जबकि उसका हाथ उसकी बाहें थर थरा रही थी। नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन इन द अनदर वीडियो।